कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल में किसान भवन में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सुरजेवाला ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने कहा कि मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली की आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ज्ञान का दीपक, समृद्धि का दीपक, खुशी का दीपक, अच्छी सेहत का दीपक, परिवार में बढ़ावे और भाईचारे का दीपक आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी में ऐसे ही जलता रहे। माता सीता, भगवान श्री राम की अनुकंपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर शुभकामना देने के बहाने सुरजेवाला ने कटाक्ष भी किया और कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि माता सीता, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जीवन से कुछ गुण आत्मसात कर जनता से पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को लेकर की जा रही लूट पर लगाम लगाएंगे और इनके दाम कम करेंगे और कृषि विरोधी 3 कानूनों को वापस लेने का निर्णय भी लेंगे। किसान, मजदूर, आढ़ती, दुकानदार, नौजवानों को न्याय व बराबरी की भावना से देखेंगे। अगर ये विचार वे आत्मसात कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि दीपावली का ये शुभ दिन देश के लिए है, वरना देश यही फीकी दिवाली मनाने को मजबूर है। जहां तक आज सरकार को क्या संदेश है इसका प्रश्न है, सबसे पहले तो सरकार में बैठे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनको शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज माता सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी के जीवन से कुछ गुण आत्मसात कर वो जनता से पेट्रोल, डीजल और गैस की लूट वापस करने का निर्णय लेंगे, खेती विरोधी 3 काले कानून वापस करने का निर्णय लेंगे, किसानों, मजदूरों, आढ़तियों, दुकानदारों, नौजवानों, उनसे न्याय की भावना और बराबरी की भावना से उन्हें देखेंगे और ये विचार अगर वो आत्मसात कर लेंगे तो मैं ये समझूंगा के दीपावली का दिन एक शुभ दिन देश के लिए है, वरना देश आज फीकी दिवाली मनाने को मजबूर है। दिवाली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे सुरजेवाला ने जहां देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी तो वहीं पीएम और सीएम को दिवाली की शुभकामनाएं देने के बहाने उन पर जमकर कटाक्ष भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।